सिटी में आए, बहुत ही खूबसूरत सिटी है। इसमें चर्च है, तकरीबन बहुत ही पुराना, तकरीबन 100 साल पुराना एक चर्च है और इसकी तारीख बहुत ज़बरदस्त तारीख है। बहुत ही कदीमी शहर है ये। पहले शहर सेकंड वर्ल्ड वार में बिल्कुल तबाह हो चुका था। इस शहर में कुछ भी नहीं था। इस शहर के मैं जो है ना रियल फुटेज भी आपको दिखाऊँगा, उस टाइम क्या था और अभी क्या है, उस टाइम ये शहर कैसा था और अभी कैसा है। तो अब इस शहर के आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ कि वो ये शहर कैसा है।
बैकग्राउंड में आप मेरा बैकग्राउंड व्यू देख रहे हैं, कितना खूबसूरत व्यू है। शख्सियत है जिसका ये एरिया है, वो अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगा कि वो आखिर कौन सी शख्सियत है। कितना ज़बरदस्त व्यू, कितना खूबसूरत व्यू। अभी मैं आपको उस शख्सियत के बारे में बताता हूँ। अभी हम उधर चलते हैं और आप अपनी आंखों से देख लें आखिर वो शख्सियत है कौन। उनका ताल्लुक जर्मन से, ना पॉलिटिशन है ना कुछ। उनका ताल्लुक जो है प्रोफेसर से। तो अभी उसके आज मैं शहर में आया हूँ यहाँ पे वीलॉग बनाने के लिए। तो अभी आपको चल के मैं दिखाता हूँ कि वो शख्सियत है कौन। अच्छा, जिस शख्सियत के बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ उसके घर के पास मैं पहुँच गया हूँ। अभी वो बताता हूँ वो शख्सियत कौन है, तो आप खुद देख लीजिएगा आखिर वो शख्सियत है कौन। हम के बैठ जाएँ और देखें ये है शख्सियत है कौन। ये शख्सियत है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मैं समर हाउस पर आया हूँ। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का समर हाउस है, उसके मैं बाहर खड़ा हूँ। ये कपूर सिटी में है, कपूर शिलोजे में, बिल्कुल जंगल के अंदर का एरिया है। बिल्कुल जंगल की तरफ ये बनाया गया क्योंकि इसने 1930 में बनाया था। 1930 से 1932 में इसने ये समर हाउस, मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तैयार किया था अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, जो इनकी वाइफ थी एल्जा, उसके लिए ये बनाया था समर हाउस। तो यहाँ पर वो आते थे अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, यहाँ पर एंजॉय करने के लिए और सुकून के लिए इस जगह पर आते थे और यहाँ पर अपना पूरा समर, जो समर का टाइम है, वो यहाँ पर गुजारते थे। तो मैं थोड़ा घर का अंदर से तो नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से बंद किया गया है। कोरोना और जर्मनी में तूफान चल रहा है, इसकी वजह से बंद कर दिया गया है।
वरना यहाँ पर आप अंदर जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बाहर से फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ घर के, जो समर हाउस है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। लोगों से सुना है, यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे थे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा इस दरवाज़े के पास आकर यहाँ पर सीढ़ियों पे बैठ जाते थे, और यहाँ पे सुबह के टाइम पे परिंदे जब गुनगुनाते थे तो उनकी आवाज़ सुनने के लिए वो आकर यहाँ पर बैठ जाते थे। और एक बहुत बड़ा टेरेस जहाँ पे वो अपनी वाइफ एल्ज़ा के साथ यहाँ पर बैठा करते थे, कॉफ़ी वगैरह, कभी दोस्त यार फैमिली का कोई आते थे उनके साथ ये टेरेस पे बैठा करते थे और मौसम का मज़ा उठाते थे, लुफ्त अंदोज़ होते थे। ये पूरा जंगल का एरिया, जंगल के बीच में समर हाउस बनाया गया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की पिक्चर है, ये इनका समर हाउस अल्बर्ट आइंस्टाइन का लिखा भी हुआ है जर्मनी में। और यहाँ पर टाइमिंग भी लिखी हुई है कि स्टाइन हाउस जमस्टाक को, मतलब हफ्ते को आप आ सकते हो और वीकेंड को भी आप आ सकते हो 10 से 18, मतलब 10 से 6 बजे तक। यहाँ से एंट्री है समर हाउस की और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है अल्बर्ट आइंस्टाइन के हाउस के बारे में, समर हाउस के बारे में। अभी यह समर हाउस है वो विज़िटर्स के लिए ओपन किया गया है, यहाँ पे सब विज़िटर्स आते हैं कि आइंस्टाइन कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था और इनके बारे में, मतलब कि वो क्या खाते थे, उनकी हॉबीज़ क्या थी, वो सारा कुछ इस हाउस के अंदर है। समर हाउस के अंदर ज़्यादातर बियर पीते थे, कौन सी बियर पीते थे और सारा कुछ, कैसे फ़न, कैसे हल्ला गुल्ला करते थे, क्या वो मजाकिया थे या ऐसे, सारी चीज़ें इस घर के अंदर आपको हर जगह पर मिलेगी जो मैंने दूसरों की वीडियो में देखी है, दोस्तों के, मतलब दोस्त यार नहीं, मतलब के जो यूट्यूबर है कोई और, उनकी वीडियो में मैंने देखा है। दूसरी बात ये कि इस घर में जाना अलाउ है, अभी सिर्फ कोरोना की वजह से आप अभी नहीं जा सकते, वरना यहाँ पर आप टिकट लेकर एंट्री कर सकते हैं जो भी आना चाहे। तो ये कपूर सिटी है शिलोज़े, वहाँ पर इसका समर हाउस वाक़ है और बिल्कुल जंगल के बीच में, पूरा एरिया जंगल का है और उस तरफ आपको सारा बीच मिलेगा, समंदर मिलेगा, दरिया मिलेगा, जो आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, वो उसके उस तरफ मिलेगा। वो बिल्कुल उसका व्यू बहुत ज़बरदस्त है, आप अगर टेरेस पे बैठे तो बिल्कुल सामने व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। तो अगर जो भी आना चाहे तो वो मुझे लिख सकता है, या तो मुझे मैं अपना अगर व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा जिनको यहाँ पर आना है, एड्रेस पूछना है, या एड्रेस तो आपको मिल जाएगा मगर बहुत अंदर का एरिया है जिसको, अभी मैं खुद इस शहर से इतना दूर नहीं रहता, फिर भी मेरे लिए मसला था, मैंने नेविगेशन ऑन किया और फिर यहाँ पर आके पहुँचा। जाते जाते मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का थोड़ा सिटी है उसका मैं व्यू आपको दिखा दूँगा कि कितना खूबसूरत सिटी है ये, उसके आखिरी जो लास्ट है, लास्ट सीन मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो यहाँ से मैं अभी चलता हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो एरिया है, जो साइकिलिंग करते थे, जहाँ से वो जाते थे
वो सारा सिटी का मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत सिटी है। ये सिटी है अल्बर्ट आइंस्टीन का। ये जो सारा सिटी है जहाँ से अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा साइकिलिंग किया करते थे और पैदल चलते थे, ये उसका सिटी एरिया है। यहाँ से हमेशा साइकिलिंग भी करते थे वो। ये खूबसूरत सा छोटा सा एक विलेज है। यहाँ तक एंड होती है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई अल्बर्ट आइंस्टीन के समर हाउस पे आना चाहता है या एड्रेस तो आपको गूगल्स पे भी मिल जाएगा, मगर जो भी मिसाल के तौर पर रब्ता करना चाहता है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मुझे कमेंट्स कर दें तो मैं उनको सारी गाइडेंस दे दूंगा। मगर यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया। मेरे घर से तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है यहाँ पर, और बच्चे भी साथ आए, बच्चों ने एंजॉय किया। समीरा भी साथ आई, लेला, अमी, समीरा, अमी, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। लेला दक प्लीज शेयर। ओके भाई, अल्लाह
इस सिटी में आए, बहुत ही खूबसूरत सिटी है। इसमें चर्च है, तकरीबन बहुत ही पुराना, तकरीबन 100 साल पुराना एक चर्च है और इसकी तारीख बहुत ज़बरदस्त तारीख है। बहुत ही कदीमी शहर है ये। पहले शहर सेकंड वर्ल्ड वार में बिल्कुल तबाह हो चुका था, इस शहर में कुछ भी नहीं था। इस शहर के मैं जो है ना रियल फुटेज भी आपको दिखाऊंगा, उस टाइम क्या था और अभी क्या है, उस टाइम ये शहर कैसा था और अभी कैसा है। तो अब इस शहर के आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ कि वो ये शहर कैसा है। मेरे बैकग्राउंड में आप मेरा बैकग्राउंड व्यू देख रहे हैं, कितना खूबसूरत व्यू है। शख्सियत है जिसका ये एरिया है, वो अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगा कि वो आखिर कौन सी शख्सियत है। कितना ज़बरदस्त व्यू है, कितना खूबसूरत व्यू है। अभी मैं आपको उस शख्सियत के बारे में बताता हूँ। अभी हम उधर चलते हैं और आप अपनी आंखों से देख लें आखिर वो शख्सियत है कौन। उनका ताल्लुक जर्मन से, ना पॉलिटिशन है ना कुछ। उनका ताल्लुक जो है प्रोफेसर से। तो अभी उसके आज मैं शहर में आया हूँ
यहाँ पे वीलॉग बनाने के लिए। तो अभी आपको चल के मैं दिखाता हूँ कि वो शख्सियत है कौन। अच्छा, जिस शख्सियत के बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ उसके घर के पास मैं पहुँच गया हूँ। अभी वो बताता हूँ वो शख्सियत कौन है, तो आप खुद देख लीजिएगा आखिर वो शख्सियत है कौन। हम के बैठ जाएँ और देखें ये है शख्सियत है कौन। ये शख्सियत है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मैं समर हाउस पर आया हूँ। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का समर हाउस है, उसके मैं बाहर खड़ा हूँ। ये कपूर सिटी में है, कपूर शिलोजे में, बिल्कुल जंगल के अंदर का एरिया है, बिल्कुल जंगल के तरफ ये बनाया गया, क्योंकि इसने 1930 में बनाया था। 1930 से 1932 में इसने ये समर हाउस, मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तैयार किया था अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, जो इसकी वाइफ थी एल्जा, उसके लिए ये बनाया था समर हाउस। तो यहाँ पर वो आते थे अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, यहाँ पर एंजॉय करने के लिए और सुकून के लिए इस जगह पर आते थे, और यहाँ पर अपना पूरा समर, जो समर का टाइम है, वो यहाँ पर गुजारते थे। तो मैं थोड़ा घर का अंदर से तो नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से बंद किया गया है, कोरोना और जर्मनी में तूफान चल रहा है, इसकी वजह से बंद कर दिया गया है, वरना यहाँ पर आप अंदर जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बाहर से फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ घर के, जो समर हाउस है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। लोगों से सुना है, यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा इस दरवाज़े के पास आकर यहाँ पर सीढ़ियों पे बैठ जाते थे, और यहाँ पे सुबह के टाइम पे परिंदे जब गुनगुनाते थे तो उनकी आवाज़ सुनने के लिए वो आकर यहाँ पर बैठ जाते थे। और एक बहुत बड़ा टेरेस जहाँ पे वो अपनी वाइफ एल्जा के साथ यहाँ पर बैठा करते थे, कॉफ़ी वगैरह, कभी दोस्त यार फैमिली का कोई आते थे उनके साथ ये टेरेस पे बैठा करते थे और मौसम का मज़ा उठाते थे, लुफ्त अंदोज़ होते थे। ये पूरा जंगल का एरिया, जंगल के बीच में समर हाउस बनाया गया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की पिक्चर है। ये इनका समर हाउस एल्बर्ट आइंस्टाइन का लिखा भी हुआ है जर्मनी में। और यहाँ पर टाइमिंग भी लिखी हुई है कि स्टाइन हाउस जमस्टाक को, मतलब हफ्ते को आप आ सकते हो, और वीकेंड को भी आप आ सकते हो 10 से 18, मतलब 10 से 6 बजे तक। यहाँ से एंट्री है समर हाउस की, और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है एल्बर्ट आइंस्टाइन के हाउस के बारे में, समर हाउस के बारे में। अभी यह समर हाउस है वो विज़िटर्स के लिए ओपन किया गया है। यहाँ पे सब विज़िटर्स आते हैं कि आइंस्टाइन कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, और इनके बारे में, मतलब कि वो क्या खाते थे, उनकी हॉबीज़ क्या थी, वो सारा कुछ इस हाउस के अंदर है। समर हाउस के अंदर ज़्यादातर बियर पीते थे, कौन सी बियर पीते थे, और सारा कुछ कैसे फ़न, कैसे हल्ला गुल्ला करते थे,
क्या वो मजाकिया थे या ऐसे, सारी चीज़ें इस घर के अंदर आपको हर जगह पे मिलेगी जो मैंने दूसरों की वीडियो में देखी है, दोस्तों के, मतलब दोस्त यार नहीं, मतलब के जो यूट्यूबर है कोई और, उनकी वीडियो में मैंने देखा है। दूसरी बात ये कि इस घर में जाना अलाउ है, अभी सिर्फ कोरोना की वजह से आप अभी नहीं जा सकते, वरना यहाँ पर आप टिकट लेकर एंट्री कर सकते हैं जो भी आना चाहे। तो ये कपूर सिटी है शिलोजी, वहाँ पे इसका समर हाउस वाक्य है और बिल्कुल जंगल के बीच में, पूरा एरिया जंगल का है और उस तरफ आपको सारा बीच मिलेगा, समंदर मिलेगा, दरिया मिलेगा, जो आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, वो उसके उस तरफ मिलेगा। वो बिल्कुल उसका व्यू बहुत ज़बरदस्त है, आप अगर टेरेस पे बैठे तो बिल्कुल सामने व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। तो अगर जो भी आना चाहे तो वो मुझे लिख सकता है, या तो मुझे मैं अपना अगर व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा जिनको यहाँ पर आना है, एड्रेस पूछना है, या एड्रेस तो आपको मिल जाएगा मगर बहुत अंदर का एरिया है, जिसको अभी मैं खुद इस शहर से इतना दूर नहीं रहता, फिर भी मेरे लिए मसला था, मैंने नेविगेशन ऑन किया और फिर यहाँ पर आके पहुँचाऊँ। जाते जाते मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का थोड़ा सिटी है उसका मैं व्यू आपको दिखा दूँगा कि कितना खूबसूरत सिटी है ये, उसके आखिरी जो लास्ट है, लास्ट सीन मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो यहाँ से मैं अभी चलता हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो एरिया है, जो साइकिलिंग करते थे, जहाँ से वो जाते थे, वो सारा सिटी का मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत सिटी है। ये सिटी है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, ये जो सारा सिटी है जहाँ से अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा साइकिलिंग किया करते थे और पैदल चलते थे, ये उसका सिटी एरिया है, यहाँ से हमेशा साइकिलिंग भी करते थे वो। ये खूबसूरत सा छोटा सा एक विलेज है, छोटा सा विलेज, व्यू देखिए कितना खूबसूरत व्यू। जी आज की वीडियो यहाँ तक एंड होती है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन के समर हाउस पे आना चाहता है, या एड्रेस तो आपको गूगल्स पे भी मिल जाएगा, मगर जो भी मिसाल के तौर पे रابطہ करना चाहता है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मुझे कमेंट्स कर दें तो मैं उनको सारी गाइडेंस दे दूँगा। मगर यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम आया, मेरे घर से तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है यहाँ पर, और बच्चे भी साथ आए, बच्चों ने एंजॉय किया, समीरा भी साथ आई, लेला अमी समीरा अमी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। लेला दैट प्लीज शेयर, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।